नगर निगम सोलन ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। इस वित्त वर्ष के लिए निगम ने 194 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि इस बजट के माध्यम से शहर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और लोगों की समस्याओं को देखते हुए उनका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में सोलर एनर्जी पर विशेष रूप से बल दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानित व्यय 193,75,83,000 का। इसमें बजट में जो हमने मेन जो हमारा फोकस रहा है इस पर, जो नगर निगम द्वारा जो है सोलर लाइट का प्रावधान किया गया है, इसके लिए स्पेशल बजट रखा गया है। इसमें जो शुरुआत जो है नगर निगम के हमारा जो ऑफिस है ठोडो ग्राउंड में, जो हमारा स्टेज है उसके नीचे हमारा गेस्ट हाउस है, तो वहाँ से शुरुआत की जाएगी। उसके बाद जो है पब्लिक को भी इसमें जागरूक किया जाएगा। इसमें जनता की भी काफ़ी डिमांड रही है, तो हमें भी पता, जैसे हम शहर में जाते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक है, तो लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। तो इसमें जो हमने एक प्रपोजल बनाई है कि पैदल चलने के लिए जो है ओल्ड डीसी ऑफिस से शांति तक जो है पैदल चलने का पाथ बनाया जाएगा, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।